अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, लेकिन अयोध्या में ऐसे और भी कई स्थान हैं जिनका सीधा संबंध राम मंदिर या पौराणिक कहानियों से है, और उन्हीं में से एक है मणि पर्वत मंदिर, जो राम मंदिर से 5 किलोमीटर दूर स्थित है और इसे शहर का सबसे ऊंचा स्थान कहा जाता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसकी ऊंचाई से सरयू नदी और राम मंदिर दोनों के दर्शन होते हैं और यहाँ से पूरी अयोध्या नगरी दिखाई देती है। इस दावे की सत्यता को जानने के लिए TV9 भारतवर्ष पहुंचा प्राचीन मणि पर्वत मंदिर और इसके छत से जो तस्वीरें दिखाई दी उसमें लोगों का विश्वास सच दिखाई दिया। इस वक्त मैं अयोध्या के मणि पर्वत मंदिर पर मौजूद हूं, जिसे अयोध्या की सबसे ऊंची जगह कही जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में इस जगह से पूरी अयोध्या दिखाई देती थी। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि राम मंदिर का निर्माण जिस जगह पर चल रहा है वहां तक भी हम यहां से देख सकते हैं। आज के समय में ये तमाम पेड़ जो हैं वो काफ़ी ऊंचे हो चुके हैं, जिसकी वजह से पूरी अयोध्या तो यहां से दिखाई नहीं देती, लेकिन यहां के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहां से सरयू नदी के भी दर्शन होते थे और रामलला के भी दर्शन लोग कर सकते थे। इस जगह का महत्व ऐतिहासिक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस जगह के बारे में मान्यता है कि राजा जनक जब पहली बार राम और सीता के विवाह के बाद अयोध्या पहुंचे तो इस जगह को उन्होंने रहने के लिए चुना, और इस जगह से सरयू नदी से लेकर और जो राम राज्य के तमाम चीज़ें थी उसके दर्शन यहां से किए जा सकते थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अब इस जगह को टेक ओवर कर लिया है और इस जगह का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा, लेकिन इस जगह की भी मान्यता अयोध्या के राम मंदिर से बहुत जुड़ी हुई है। इसके अलावा मंदिर के पुजारी रामचरण दास ने बताया कि मणि पर्वत के पीछे की कहानी पौराणिक है। जब राम सीता का विवाह हुआ उसके बाद जब राजा जनक पहली बार अयोध्या आए तो उन्होंने इस जगह को राजा दशरथ से खरीदा और तब यहाँ रुके, क्योंकि ना वो बेटी के ससुराल में रुक सकते थे और ना ही वहाँ जाकर भोजन कर सकते थे। जमीन के बदले में जनक ने दशरथ को मणि और अशर्फियाँ देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजा दशरथ ने यह कहकर लेने से इनकार कर दिया कि उनके राजमहल में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन जनक ने भी इसे वापस ले जाने से मना कर दिया। तो दशरथ ने उन्हें कहा कि कहीं जंगल में वो इस धन को छोड़ दें। ऐसे में राजा जनक ने इस स्थान पर मणि और अशर्फियां छोड़ दी, और वो इतनी ज्यादा मात्रा में थी कि ये जगह इतनी ऊंची हो गई कि यहाँ से पूरी अयोध्या नगरी दिखने लगी। सबसे पहले तो ये बताएं कि मणि पर्वत के बारे में जो लोग कहते हैं कि बहुत पौराणिक है, उसके बारे में क्या जानकारी? भगवान राम के शादी के बाद जनक जी आए थे अपने पुत्री से मिलने के लिए, समाचार के लिए। तो अयोध्या में कल्पवास का महात्म है, कोटि कल्प का आशी बसे मथुरा कल्प निवास, एक निमिक सरजू बसे तुलैन तुलसीदास। करोड़ों वर्ष काशी और मथुरा का निवास का फल सरजू किनारे केवल पलक गिरते समय मिल जाते हैं। तो जनक जी ज्ञानी थे, उन्होंने सोचा कि अयोध्या धामों में सबसे श्रेष्ठ है, यहाँ के महात्म इतना, हमने पुत्री शादी की है, कन्यादान दिए, यहाँ जल पी नहीं सकते, रह नहीं सकते हैं। तो अपने गुरु सतानंद से पूछे तो उन्होंने शास्त्र में बताए कि कोई भी जो है स्त्री लड़की के कोई संतान हो जाए तो वहाँ जल पी सकते हैं, रह सकते हैं, नहीं तो कीमत देके जमीन ले ले तो अपना हो जाएगा। तो जनक जी दशरथ जी से जमीन खरीदे थे जनकौरा, जनौरा जनौरा कहते हैं, उसी के कीमत में इतना मणि रत्न भेजे थे। तो जनक जी दशरथ जी कहें हमारे को उस खजाना खाली नहीं है, ले जाइए जंगल में रख दीजिए, ये क्षेत्र अशोक वन है, इतना मणि था रखते रखते पर्वत बन गया, इसलिए इसका नाम मणि पर्वत रखा। और यहाँ जो है 2000 वर्ष पहले विक्रमादित्य मंदिर बनवाए थे, मौजूदी में यही मंदिर का दर्शन होता है जिसमें मणि भगवान है, लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी के मूर्ति। बाद में राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर मंदिर बनवाया और लोग यहाँ पूजा करने के लिए आने लगे। श्रद्धालु तीज के समय यहाँ लाखों की संख्या में पहुँचते हैं।